नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राव शुद्ध पिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD 2022-23 का जो एग्जाम हुआ है फिलहाल में, उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी घबराए हुए हैं और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि रिजल्ट डेट को लेकर, फिजिकल डेट को लेकर थोड़ी सी एडिटिंग करके आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि इस दिन रिजल्ट जारी होगा, कल रिजल्ट जारी होगा, आज रिजल्ट जारी होगा, तो उससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। तो आज की इस वीडियो में रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं तो उनको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है, नॉमिनेशन में कितने क्या मार्क्स पड़ सकते हैं जिससे वो अप्रोच कर सकते हैं फाइनल कट ऑफ को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए बच्चों को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी इंफॉर्मेशन देता हूं उनको सटीक देता हूं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो मैंने एग्जाम से पहले कट ऑफ निर्धारित की थी, लगभग लाखों बच्चों ने जब गूगल फॉर्म फिलअप किया अंकित भाटी सर पर, सर के यहां पर, तो वो जो कट ऑफ के आंकड़े निकल कर आए वो सेम उसी कट ऑफ से मैच खाते हैं। अगर आपने वो कट ऑफ नहीं देखी है तो आप उसको देखेंगे तो आपको एक एनालिसिस होगा कि हाँ हम सफिशियंट है फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक, कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए SSC बहुत तेजी से काम कर रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है, तो इस वजह से आपको बहुत ही जल्द जॉब मिलने वाली है। इस बार बिल्कुल भी लेट तो होगा ही नहीं, तो आप सोचो ना कि बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस चले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे कि अपन बात करें आंसर की, अब आंसर की लगभग 10 से 15 दिन में आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे 14 फरवरी खत्म हुआ कुछ दिन में तीन से चार दिन लेकर गैप लेकर आंसर की रिलीज कर दी। अब बच्चे उसमें आपत्ति वगैरह भी लगाएंगे, जो क्वेश्चन वगैरह उनको गलत लग रहे होंगे उन पर वो आपत्ति लगाएंगे, तो उससे क्या फायदा होता है कि जो क्वेश्चन गलत होता है और उस पर आपत्ति लगाई जाती है तो उसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिलता है, तो जहां से आपको बोनस अंक मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, बोनस अंक। तो यहां पर एक फायदा आपको मिलेगा बोनस नंबर का, अगर SSC ने 2 से 3 क्वेश्चन गलत किया तो 2 से 3 नंबर सबके बढ़ेंगे, एक तो ये चीज हो गई, तो 2 से 3 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या कैलकुलेशन होती है, लेकिन जहां तक देखा जाए कि SSC के नॉमिनेशन में और अभी एग्जाम का जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, हार्ड तो उसको कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप इजी टू मॉडरेट लेकर भी चलेंगे तो कम से कम आप सभी लोगों के 8 से 10 नंबर बढ़ने चाहिए, 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, अगर जिन्होंने एक्यूरेसी अच्छी रखी होगी उसके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है ना, तुक्के कम मारे होंगे, लेकिन जहां तक है कि 8 से 10 नंबर तो आपको मिलेंगे। और आपको पता होगा कि कुछ बोनस अंक अलग अलग सर्टिफिकेट्स पर भी मिलते हैं आप लोगों को, जैसे NCC सर्टिफिकेट है, NCC A सर्टिफिकेट है, NCC B सर्टिफिकेट है, तो इनके नंबर्स भी आपको मिलते हैं 5%, 3%, 2%, तो इससे भी अगर आप लगाओगे अंदाज तो 8 यहां से मिल रहे हैं, NCE है, A है 4.8 मिल रहा है, B है 3.2 मिल रहा है, तो यहां से नंबर, तो यहां से आपको नंबर मिल रहे हैं 2 से 3, ठीक है, हर सेप्टर बढ़ेंगे, 8 से 10 नंबर नॉमिनेशन से मिल रहे हैं और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, सॉरी कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपके नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर आइए, अगर मान लो किसी बच्चे के कोई ऐसे राज्य से बिलोंग करता है जैसे नागालैंड वगैरह हो गया, ठीक है, मिजोरम वगैरह हो गया, और अगर हम बात करें तो आपका यहां से कट ऑफ कम जाती, कहने का मतलब ये है वहां से मान लो उसके कम ही नंबर आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, अब बड़ा परेशान है भाई, क्या करूं, फिजिकली तैयारी करूं कि नहीं करूं, तो उसको भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 50 नंबर भी उसके बन रहे हैं तो देखो +3 आपको इनके बोनस अंक मिलेंगे, अगर इनमें से कोई अगर नॉमिनेशन में उसके 10 बढ़ गए, +3 यहां से मिल गए और नॉमिनेशन में उसको कितने हो गए, 10 बढ़ गए, ठीक है, और उसके पास NCC C सर्टिफिकेट है, 8 यहां से मिल गए, 68 नंबर हो गए उसके, कितने नंबर हो गए, 68 नंबर हो गए उसके, ठीक है। इसी तरह से मान लो किसी के 60 है, 2 नंबर यहां से मिल गए उसको, उसकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत थे, 2 नंबर मिल गए उसको, ठीक है, NCC है, या मान लो नॉमिनेशन में 8 मिल गए और उसके बाद B सर्टिफिकेट है 3, तो 75 नंबर हो, 73.2 नंबर हो गए उसके। किसी के 65 आए हैं तो 3 नंबर यहां से मिल गए, 10 नंबर नॉमिनेशन में बढ़ गए, 8 नंबर इसकी वजह से बढ़ गए, 86 नंबर हो गए, तो फाइनल तक वैसे भी पहुंच जाएगा क्योंकि यहां से कट ऑफ कम जाती है, वहां से फायदा मिल जाएगा। और जो राज्यों से बड़ी ज्यादा बड़े बड़े जैसे UP हो गया, राजस्थान हो गया, यहां से ज्यादा कट ऑफ जाती, तो जहां से भी अगर ज्यादा कट ऑफ जाती है और आपके नंबर कम बढ़ रहे हैं, मान लो 100 के अप्रोक्स में भी बढ़ रहे हैं, 88 के अप्रोक्स में भी बढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये जो बोनस अंक है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स है और ये सर्टिफिकेट के अंक है, उनकी वजह से आप जंप कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन बच्चों के कम नंबर आए वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसकी लिस्ट तैयार करूंगा कितने क्या बच्चे बन रहे हैं, उसको भी मैं अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो रिजल्ट जो है वो आपका
जो मार्च के फर्स्ट वीक में ही जहां तक संभावना बन रही है कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ जारी हो जाएगी विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के साथ, उसमें आप देख पाएंगे आपके कितने क्या नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जितने भी नंबर आपके बढ़ रहे हैं सफिशियंट है, तो आप फिजिकली तैयारी करिए, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे। तो रिजल्ट तो आपका मार्च में ही रिलीज होगा, आप वन वीक में लेकर चलिए, ठीक है। तो तैयार रहना, देरी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कमेंट जरूर खुला हुआ है, कमेंट करके बता देना, और नहीं तो नंबर दे दूंगा मैं अपना डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर अगर कोई भी दिक्कत आती तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह में बिजी था, इसलिए नहीं कॉल अटेंड कर पाया था। नहीं तो आपको लग रहा होगा सर नंबर दे रखा है कॉल उठा दे रही, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।